हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आज हम जाएंगे हरेपड़ा हाजी अली खान कॉलेज में। हाजी अली खान कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है और पे मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो उस कॉलेज में हम जाएंगे कि हमारा ग्रेजुएशन बहुत दिन हो गया है होते हुए। तो बहुत दिन हो गया है तो हमने कॉलेज गया नहीं, तो उस कॉलेज में हम जाएंगे। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है जो कि सामने ही है, दोस्त इसके साथ एक साथ में जाएंगे। हाँ, अभी जाएंगे। इसका गर्लफ्रेंड तो है, मेरे गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं आमताला कॉलेज में पढ़ता हूँ, बट वहाँ पर लड़की पसंद नहीं है। तो इसके मुंह में बहुत सुना है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे अच्छे लौंडिया बोलते ना। यही नहीं, अभी और सुनिए, लड़कियाँ होते हैं लड़कियाँ, तो उसको पटने के लिए हम जा रहे तो चलो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, आपको दिखाएंगे बहुत सारी लड़की, आपको भी पसंद आएगा तो बोलना। हाँ, हमारी जो सब है ना मेरा दोस्त बोलना चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो उसको दिखाएंगे, अगर पसंद आ जाए तो वो भी पढ़ाने की कोशिश कर सकता है। नहीं, मैं तो इतना हीरो होकर आया हूँ ना। क्या बोला तूने? आप लोग तो देख ही रहे हैं, ब्लैक जब पहनता है उस सारी लड़कियाँ क्या होता है उसको, क्या बोलता है, क्रश खाती है, क्रश खाती है, तो वही होता है। तो मेरा दोस्त वो बहुत तैयार होकर आई है क्योंकि वो चाहता है कि एक लड़की पर जाए, तो देखते हैं कि हमारे कॉलेज में जाकर किसी को उसके पसंद आता है कि नहीं, बस वो जाकर आप लोगों को दिखा दे देंगे। तो चले चलते हैं। मुझे धुआंसा भरा रास्ता दे, मेरे छे राजपाती खाली हाथे खाना माछी खेले जाए कार साथे मुख बुझे later। गाइस, हम होरेपड़ा में आ गए, सामने तो दिखा दे रही है होरेपड़ा कॉलेज है, तो कॉलेज के हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके आप लोगों को दिखा देंगे। चलो चलते हैं यहाँ से, अंदर जाके आप लोगों को बहुत कुछ दिखा देंगे, कॉलेज के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बोलेंगे। तो अभी हम इस तरह से कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और कॉलेज के अंदर जाने के ये रास्ता है, तो इसी रास्ते से हम अंदर जा रहे हैं। और बाहर ही बहुत सारे लड़के लड़की है यहाँ पे खड़े, तो यही से हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके आप लोगों को दिखा देंगे। वीडियो सामने आया है कॉलेज का, जो स्टूडेंट जो पार्किंग है सामने की स्टूडेंट पार्किंग, यहाँ पे बहुत सारा गाड़ियाँ है, गाड़ी है, साइकिल है, यहाँ पे रखते हैं। और स्टूडेंट पार्किंग का जो जगह है बहुत ही बड़ा है, और इसके सामने है बिल्डिंग, यहाँ से थोड़ा और आगे चल के आप लोगों को दिखाई दे, तो सामने जो दिखाई दे रहा है ये माइनॉरिटीज़ का हॉस्टल है। नहीं, ब्लॉक करो। ये माइनॉरिटीज़ का हॉस्टल है, यहाँ पे जो बाहर से आते हैं स्टूडेंट्स लड़के लड़कियाँ, तो बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं वो इस हॉस्टल में रहते हैं, रह के पढ़ाई करते हैं। और सामने जो दिखाई दे रहा है ये प्ले ग्राउंड है, और ये गार्ड का रूम है, ये वाला गार्ड का रूम है, और यहाँ से अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारा कॉलेज का जो गार्डन है ये आप लोगों को दिखा देते हैं। तो गाइस, सामने जो दिखाई दे रहा है टू व्हीलर गाड़ी रखने का पार्किंग है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बहुत दिन बाद कॉलेज आया हूँ, तो आज थोड़ा नर्वस फील हो रहा है इसलिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही शोर शराब है, बहुत ही शर्म आ रही है वीडियो करने में। तो आप फिर भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो मेरे हाथ में एक फॉर्म है जो कि स्कॉलरशिप का फॉर्म है, और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, ये मेरा दोस्त है, आज इसका फॉर्म क्लब पे कर चुका है, और फॉर्म आज के जमा देने का दिन लास्ट दिन है, इसलिए आज जमा देने वाले हैं। तो मेरे हाथ में ये जो फॉर्म है वो दिखा देते हैं।
एक फॉर्म आज जमा देंगे, इसलिए बहुत ही भीड़ है, भीड़ को भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, बहुत दिन बाद उनसे मिला हुआ। तो कैसे हो? अच्छा, तो गाइस वो नर्वस फील कर रहा है, उसको हिंदी में बात करना नहीं आता, नर्वस फील कर रहा है, बहुत दिन बाद मिला हूँ इसलिए। तो आज देखेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। A few moments later, गाइस ये हमारा पूरा पुराना बिल्डिंग है। तो पुराना बिल्डिंग के अंदर जिस रूम में हमने क्लास किया है वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। सामने जो रूम दिखाई दे रहा है, ये रूम में जियोग्राफी का क्लास होता है, और जिस रूम में हमने क्लास किया है कि हम तो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो हिस्ट्री ऑनर्स जिस रूम में होता था, क्लास होता था, वो रूम के अंदर हम जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और सामने जो रूम दिखाई दे रहा है ये हिस्ट्री का रूम कर दिया है, लेकिन सामने हमारा रूम था, तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये हिस्ट्री का रूम है। Hey, I'll come look at this. क्या बोल रहा है बोल? ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। मजा आया। ये जो दिखाई दे रहा है ये हिस्ट्री का जो रूम है, आगे पहले हिस्ट्री का रूम नहीं था, सामने जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, वो हिस्ट्री का रूम था और अब नया हिस्ट्री का रूम ये बना है। सो यहाँ पर फोन पर बात कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, देखिए कैसे उधर घूम गया। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। तो कॉलेज में आकर लड़कियों से बात कर रहा है, बदमाशियां कर रहा है। अरे ये इंग्लिश का रूम है, और ये इसी रूम पे हमने क्लास किया था। ये वाला रूम में हिस्ट्री का क्लास किया था मैंने, और अब इंग्लिश का रूम बन गया है। One eternity later. So guys, आप लोग को जान गए होंगे कि कॉलेज में बहुत ही शोर शराबा, बहुत ही भीड़ है, इसलिए हम वहाँ पर जाकर बात नहीं कर सकते और वीडियो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आवाज़ ठीक से क्लियर से नहीं आ रहा था, इसलिए हम कॉलेज के अंदर दूर जाकर आप लोग अखा रहे और बात भी कर रहे हैं। शोर शराबा इसलिए आप नहीं पा रहे थे। Thousand years later. हमें तो यही सोचा था कि बहुत दिन बाद कॉलेज में आए, तो आज जाकर लड़कियों से, नए नए लड़कियों से देखेंगे और उससे मुलाकातें करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मेरा दोस्त भी ज़्यादा था कि आज हमारे कॉलेज में आकर वो किसी को पटाने की कोशिश करेगा, लड़कियों की बहुत सारे लड़कियों को देखेंगे, क्योंकि उन्हें उसने सुना था कि हमारे कॉलेज में बहुत सारा न्यू स्टूडेंट्स भर्ती हुए है, बहुत सारे लड़की भी है, और आज एग्ज़ाम है, इंटरनल एग्ज़ाम भी है, और आज स्कॉलरशिप जमा करने का लास्ट डेट है, इसलिए आज बहुत ही भीड़ है, बहुत ही शोर शराबा है। तो इसलिए उसको मैंने बोला, तो वो भी आना चाहते थे कॉलेज में, तो उसको लेकर आया हूँ। तो आज इतना भीड़ है और इतना लड़कियाँ है, तो हमारा क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ है, बहुत दिन बाद कॉलेज में आया हूँ ना, तो जो हम करना चाहते थे वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही शर्मा रही है सबके सामने वीडियो करने में, और वो सब भास रहे हैं, इसलिए तो आप लोग मेरे मुझे सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो अगले वीडियो आप लोग को नई नई जगह पर जाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा, और मेरे चैनल पर आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना, लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करते रहेगा। तो गाइज़ हम नए बिल्डिंग में जाएंगे, नए बिल्डिंग में जाने के बाद वहाँ पे भी एक रूम में हमने क्लास किया था, तो उस रूम में भी जाएंगे, देखेंगे कि वो रूम खुला है कि नहीं। तो हमारा कॉलेज आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, और नए बिल्डिंग में भी जाएंगे वहाँ पे भी दिखाएंगे, तो उस बिल्डिंग को आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बता देना। One eternity later. Hello guys, हम न्यू बिल्डिंग में आ गए हैं और न्यू बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और इंस्टा आप लोग में, और इस बिल्डिंग के अंदर भी हमने क्लास किया था, तो आप लोगों को दिखाएंगे, और इस सीढ़ी में चल के हम ऊपर जा रहे हैं। और सामने ही है लाइब्रेरी का रूम,
वहाँ पे हमने बुक लिया था पढ़ने के लिए। सामने जो दिखाई दे रही है लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये बंद हो चुका है। हाँ गाइस, तो ये सामने जो दिखाई दे रही है ये रूम शीशे का रूम है, और यहाँ पे जैसे सामने लिखा है पॉली साइंस, फिलोसॉफी, ज्योग्राफी, एजुकेशन, ये सब का शायद लैब होगा और अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अंदर जाके दिखा दे रहा हूँ। यार तो ऐसा है, बहुत ही अंधेरा है, तो अच्छी तरह से शायद आप लोगों को देख नहीं पा रहे हो। मैं आ गया हूँ जो जिसी रूम में हमने हिस्ट्री का क्लास किया था, सामने से दिखाई दे रहा है हिस्ट्री डिपार्टमेंट का रूम है। ऊपर नोटिस बोर्ड में लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी, और उसके पास ही 2001 डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी, लेकिन पहले यहाँ पे हिस्ट्री क्लास होता था। इस रूम में हमने हिस्ट्री का क्लास किया था, लेकिन अब फिलोसॉफी डिपार्टमेंट का क्लास होता है। यहाँ रूम चेंज हो गया है, और इस रूम में हमने हिस्ट्री का क्लास किया था, और बहुत काफ़ी चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे फिलोसॉफी का क्लास होता है, पहले यहाँ पर हिस्ट्री का क्लास होता है। तो यही से आप लोगों को दिखाएंगे। A few moments later. तो गाइस, घर से दोपहर को निकले थे और शाम होने वाला है, बहुत देर हो गया, 4:22 हो गया है, और हमको बहुत भूख भी लगी है हम दोनों को ही। तो मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में एक लंचा और एक लम्बू है, तो ये हम खाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, इसलिए हम इसी में काम चलाना पड़ेगा। इसमें एक लंचा एक लम्बू लिया है, और खाने के बाद और एक बार जाएंगे कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ वीडियो या क्लिप नहीं ले पाए, इसलिए और एक बार जाएंगे और थोड़ा क्लिप लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और खाने के बाद वहाँ पर चलते हैं। तो गाइस, हम दोपहर को निकले थे और शाम होने वाला है, बहुत देर हो गया, तो आज का वीडियो यहीं तक है। और मेरा दोस्त भी बहुत ही टायर्ड हो गया है, बहुत अभी नींद आ रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया था। अच्छा, सुबह 11 बजे नींद से उठ के सीधा कॉलेज में आया था, बट अभी कितना बज रहे, 4:30, तो जो भी है 4:30 बज रहा है, बहुत ही देर हो गया है, और घर भी जाना है, और ठंडी का मौसम है इसलिए हमें घर जाना पड़ेगा जल्दी से। अगर गर्मी का मौसम होता तो देर में जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए ठंडी के मौसम में इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। आज का वीडियो यही तक है, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।